नहीं स्वामी नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। स्वामी हम क्या और हमारी क्षमता क्या, दिन का सूर्य की आंखों में पड़कर उसे चौंकाने की बात सोच रहा है, मिट्टी का ढेला सागर को बांधने की बात सोच रहा है। स्वामी संहार करता शिव सारे लोगों के ईश्वर हैं, और आप जाएंगे उन पर अपने बाण का प्रयोग करने। हाँ देवी रती, मैं वचनबद्ध हूँ, क्योंकि यह कार्य मेरे द्वारा ही संभव है। ये मेरे पूरे समुदाय के भविष्य का प्रश्न है देवी। मेरा भविष्य और स्वयं आपका भविष्य लोक कल्याण के समक्ष ये अर्थहीन है देवी। मैं जा रहा हूँ देवी, मैं जा रहा हूँ। नहीं प्राणनाथ, ऐसा मत कीजिए, मेरी दाई आँख फड़क रही है, मुझे मुझे अपशकुन दिखाई दे रहा है, मेरी विनती को मान लीजिए। कैलाश पति की समाधि कैलाश जैसी ही अटल और अचल होती है, मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। नहीं देवी नहीं, आप अभी से इतनी चिंतित क्यों हैं? देवी यदि देवताओं का यह कार्य संपन्न हो गया तो सोचिए इसका पूर्ण श्रेय हमें ही मिलेगा, और देवी मैं तो अपना कार्य करने जा रहा हूँ। आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने जिस कार्य के लिए मेरी रचना की है वही तो कार्य करने जा रहा हूँ। देवी रति विदा। स्वामी ऋतुराज अपना कार्य आरंभ करो। Yeah.
कामदेव, इन पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसा मत कहो, तुम मेरी सेना का मुख्य अंग हो और कामदेव की सेना उस हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती है जिसके पास लेश मात्र भी पौरुष शेष है, और ये तो साक्षात शिव है। क्षमा करें मदन देव, हम इनके समक्ष असमर्थ हैं। तुम असमर्थ हो सकते हो किंतु मैं असमर्थ नहीं। देखता हूँ देवाधिदेव महादेव पर मेरा प्रयोग कैसे सफल नहीं होता। तू कोमल है इसलिए कि तू काम का बाण है, तू अति सुगंधित है, तेरी शक्तियां असीमित हैं, तू योगियों के योग से भी अधिक शक्तिशाली है, तपस्वियों के तप से भी अधिक धार, तेरा प्रहार सर्वश्रेष्ठ संसार की किसी सुंदर युवती के नेत्रों के प्रहार जैसा है। जा मेरे बाण, तुझे मानव कल्याण करना है, तुझे समाधि में डूबे भगवान शिव को फिर से अनुरागी बनाना है। जा मेरे बाण, जा। ये कैसा भाव कर लेता है किसी नारी के प्रति, एक देवी के मन में कैसा आकर्षण है, ये किसका षड्यंत्र है, कौन है जिसने साक्षात काल को सोते हुए से जगाया, किसने मेरी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया है। आज दिशाएं कांपेंगी, धरती आकाश पाताल थरथराएंगे। कामदेव तुम हो जिसने मेरे असर को टिकाया है। कामदेव, फूलों के पास से मन को फेरने वाले छलिया, वास्ता के साधा दूत, साधना के शत्रु, दुर्बल साधु की साधना भंग करते करते तेरा दुस्साहस इतना बढ़ गया कि तूने मुझे अपना लक्ष्य बना डाला। जिसके सारे तंत्र शमशान की भस्म है, शिव जिस स्थल पर साधना करता है वह जीवन की रेखा समाप्त होती है और पृथ्वी के द्वार खुल जाते हैं, जब पंचतत्वों पंचतत्वों में लीन हो जाते हैं। कामदेव, क्षमा क्षमा भगवान, तुम्हारा अपराध क्षम्य है। कामदेव, अपनी प्रिय शक्ति के वियोग में मैंने किस कठिनाई से समाधि लगाई थी और तुमने उसे भंग कर दी, और अब कहते हो कि मैं क्षमा कर दूं। अभी कुछ समय पहले ही समाधि हो कितना शांत था, तुमने मेरी समाधि को भंग किया, मुझे शांत किया। जी तो चाहता है कि ऐसा प्रलयकारी तानव करूं कि तुम्हारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाए, किंतु केवल एक व्यक्ति के दुस्साहस के कारण मैं सारी सृष्टि को नष्ट नहीं कर सकता। कामदेव, तुम्हें जल्द अवश्य मिलेगा। नहीं भगवान, नहीं, क्षमा महादेव क्षमा। नहीं कामदेव, तुम्हारी मृत्यु अवश्य भावी है। देवती देव महादेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नहीं कामदेव, खराब भी नहीं।
अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ ऋतुराज? हमारे अधिष्ठता आपके कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया। क्या? हाँ देवराज, हाँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कामदेव अपना बाण उन पर चला भी नहीं पाए? नहीं वरुण देव, ऐसा नहीं है। बाण तो चला और वो लक्ष्य तक पहुंचा भी, किंतु तभी तभी भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे ऋतुराज, कैसा भीषण, कैसा दारुण दुख है ये। समझ में नहीं आता कि आपके समाचार पर मैं हर्ष प्रकट करूं या शोक। कामदेव ने अपना बाण चलाकर हम सभी देवताओं का कार्य संपन्न कर दिया और भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ दी, किंतु किंतु उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हे कामदेव, ये समस्त देवलोक आपका आभारी रहेगा, सदा आपका आभारी रहेगा। स्वामी, स्वामी, प्राणनाथ, स्वामी, प्राणनाथ, हे शिव, हे शंकर, हे शंभु, हे महादेव, मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु सारा संसार आपको नीलकंठ के नाम से जानता है। सृष्टि की रक्षा के लिए अमृत मंथन से निकला भयानक विष कालकूट आपने सारा का सारा पी लिया। क्या मेरे पति का अपराध उस कालकूट से भी अधिक विषाला था महादेव? देवी, कौन है आप? हे भोलेनाथ, मैं रति हूँ। मैं वो अभागिन हूँ जो कुछ समय पहले सधवा थी, सुहागिन थी, किंतु किंतु अब मेरा सुहाग आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया महादेव। हे महादेव, आपका व्रत करने से, आपका जप करने से और आपकी पूजा करने से तो कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, किंतु किंतु मेरा वर आपने मुझसे छीन लिया महादेव। पति और पत्नी जीवन में एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इस पीड़ा को आपसे अधिक और कौन जान सकता है महादेव? देवी रति, हे महादेव, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, या तो आप मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए, या एक बार और अपने तीसरे नेत्र को कष्ट दीजिए और मुझे भी जलाकर भस्म कर दीजिए। नहीं देवी, ये संभव नहीं। तब देवादी देव, मुझे ये बताइए, मेरे स्वामी ने जो कुछ भी किया उसमें उनका क्या दोष है? देवराज उनके राजा हैं, उन्हें तो ये कार्य करने का आदेश उनके राजा की ओर से मिला था और उन्होंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है भोलेनाथ। हे महादेव, यदि आपने मेरे पति को जीवित नहीं किया तो लोग राजाज्ञा का पालन करते हुए घबराएंगे। हे देवाधिदेव, सोचिए कैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कृपा कीजिए भोले शंकर, कृपा कीजिए। आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है देवी रति। यह सत्य है कि आपके पति ने राजाज्ञा का पालन करके अपने देव होने का प्रमाण दिया। अभी आप जाइए देवी, आपको कुछ काल तो अपने पति की प्रतीक्षा करनी होगी, उसके पश्चात आपको आपके पति मिल जाएंगे, किंतु ये तब होगा जब श्री हरि विष्णु,
श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और तब तक आपके पति संसार में अनंग रूप में रहेंगे। वे दिखाई तो नहीं देंगे किंतु और अधिक व्यापक हो जाएंगे और अपनी उपस्थिति का आभास सारी सृष्टि को देते रहेंगे। हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने मुझ दुखियारी पर बड़ी कृपा की है प्रभु, बड़ी कृपा की है। मुझे स्थान छोड़कर कहीं और जाना होगा। आप मेरा अंश है, मेरी शक्ति है, मुझे गर्व है आप पर कि आप अपनी तपस्या से, अपनी साधना से ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि नारी में जो सहन शक्ति है उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसकी सहन शक्ति ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। आपकी तपस्या संसार की हर नारी के लिए एक उदाहरण बन जाएगी और इस समय शक्ति इस हिमपात से युद्ध करने जा रही है। मेरी मंगल कामना है कि आपका यह प्रयास सफल हो, आपका स्वप्न साकार हो और इस समय क्या सृष्टि, क्या देवी देवता, क्या मानव, क्या पशु पक्षी सबके सब शिव और शक्ति के मिलन की आस लगाए बैठे हैं। महारानी, मैं तो अभी यही कहूंगा कि आप वहां मत जाइए। स्वामी, ये कैसे संभव है कि पुत्री पर संकट हो और माता उसके पास ना जाए? महारानी, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी इस लाडली पुत्री पर कोई संकट आ तो सकता है किंतु वो संकट उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप पिता हैं, आप कठोर हो सकते हैं किंतु मैं माता हूं। यदि आज सारे देवी देवता भी आकर मुझे आश्वस्त करें तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं वातावरण कितना भयानक है। मुझे खेद है महारानी, आप इस समय ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे मरुस्थल का कोई प्राणी व्यवहार करता है जिसने कभी हिम के दर्शन किए ही ना हो। महाराज, मुझे मत रोकिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महारानी।